दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दो जुड़वा बच्चे जन्म से पहले ही कैसे चिपके रहते हैं, और इन बच्चों को देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। और क्या आप जानते हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं हर रोज कितना ज्यादा बोलती हैं और क्यों? लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है कि दुनिया में हर रोज करीब 30 से 40 लाख लोगों को सच्चा प्यार और पहला प्यार होता है, पर कैसे पता है? तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 अमेजिंग फैक्ट, जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ, इट्स माइंड ब्लोइंग। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हम सबको पता है कि ओवर ईटिंग यानी जरूरत से ज्यादा खाना खाने से कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे अच्छी नींद में बाधा आना, डाइजेशन में प्रॉब्लम होना आदि। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ज्यादा भोजन करने के बाद हमें कभी कभी लॉस ऑफ हियरिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी ज्यादा खाना खाने के बाद लोगों को ठीक तरीके से सुनाई नहीं देता है, क्योंकि ज्यादा खाना खाने के बाद हमारी ब्रेन का नर्व सिस्टम कभी कभी ध्वनि सिग्नल को कान से आगे भेज नहीं पाता। इसीलिए ज्यादा खाना खाने वाले व्यक्तियों को कभी कभी ये प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें वो ठीक से सुन नहीं पाते। सो हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। फैक्ट नंबर 9। ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग गलत होकर भी खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना। यानी दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मानो आप गलत हो और आप खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हो तो ये आसान होता है। लेकिन जब आप सही होते हो और खुद को सही साबित करना चाहते हो कि मैं सही हूँ, तो इसमें आपको ज्यादा मुश्किलें होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चीज आप जब ध्यान से नोटिस करोगे तभी आपको पता चलेगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप नॉर्मल चीजों को भी याद नहीं रख पाते? फॉर एग्जाम्पल, क्या आप भी लॉक लगाना भूल जाते हैं, या लॉक लगाकर ताले में ही चाबी छोड़ देते हैं, या आप अपनी कोई चीज कहीं पर रखकर आसानी से भूल जाते हैं? तो आपको निराश होने की नहीं बल्कि खुश होने की जरूरत है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, और ऐसे लोगों को छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, क्योंकि ऐसे लोग हर चीज पर ध्यान नहीं देते हैं तो किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसे इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पता चला है कि जो स्टूडेंट्स अपने नोट्स पेपर या नोटबुक में बनाते हैं वो उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जबकि कंप्यूटर, टैबलेट्स या मोबाइल पर बनाए गए नोट्स पेपर पर लिखे नोट्स की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि कागज पर लिखते समय व्यक्ति क्रिएटिव सोच पाता है, और जिसकी वजह से हाथ से लिखी चीजें लंबे समय तक याद रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो ये इफेक्ट आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 6। अधिकतर लोगों को अपने सिग्नेचर करना यानी कि हस्ताक्षर करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, और हम में से लगभग 80 से 90% लोग पेन हाथ में आते ही सबसे पहले अपना सिग्नेचर करते हैं। लेकिन यहाँ सिग्नेचर से रिलेटेड एक बहुत ही अलग बात पता चली है। दोस्तों, साइकोलॉजी के एक रिसर्च के अनुसार आपके सिग्नेचर का साइज पूरी तरह से आपके आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि किसी व्यक्ति का जितनी बड़ी साइज का सिग्नेचर होता है उतना ही उस व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 5। अचीवमेंट फोबिया। दोस्तों, ये कैसा साइकोलॉजिकल फोबिया है जिसमें इंसान को सक्सेस या अचीवमेंट से डर लगता है? जी हाँ दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि असफलता से तो लगभग सबको डर लगता है, लेकिन ये ऐसा फोबिया है जिसमें व्यक्ति को बड़ी उपलब्धि या सफलता से डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट जो क्लास में काफी इंटेलिजेंट है लेकिन इसके अलावा वो बहुत शर्मीला या इंट्रोवर्ट है, पब्लिक के बीच जाने से डरता है, तो उसे इस बात से डर लगेगा कि अगर वो फर्स्ट आ गया तो उसे स्टेज पर जाकर कुछ बोलना पड़ेगा, या बहुत सारे लोग उस पर ध्यान देंगे, रिएक्शन देंगे, इसीलिए वो एक्स्ट्रा अटेंशन करने से डरने लगता है। तो इसे ही सक्सेस फोबिया या सक्सेस एंजाइटी भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, लगभग हम सभी को तले हुए खाद्य पदार्थ या जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, चिप्स आदि पसंद होते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग इसे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं मानते और इसे अवॉइड करते हैं। आपका जंक फूड खाने का मन है और आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और आप जंक फूड को अवॉइड करना चाहते हो, तो इसके लिए साइकोलॉजी कहती है कि जंक फूड खाने की इच्छा सिर्फ 10 मिनट तक रहती है। यदि आप कैसे भी करके 10 मिनट कंट्रोल कर लेते हो तो उसके बाद आपकी खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी एंड आप इसे आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। यदि आप अपने इमोशंस को या भावनाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है।
इसमें जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो अचानक उस एक्टिविटी के एकदम अपोजिट रिएक्ट करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी के मैसेज को पढ़कर हंस रहे हो तो एकदम से शांत हो जाओ और एकदम सीरियस हो जाओ। इसी प्रकार आप इस चीज को रोज कुछ समय प्रैक्टिस करो और फाइनली आप अलग अलग भावनाओं को रोक कर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये ट्रिक जब आप अकेले हो तभी यूज करें, वरना आसपास के लोग आपको पागल बोल सकते हैं या आपका मजाक बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप भी जब किसी से बात करते हैं उस वक्त अपनी बात फटाफट या एकदम जल्दी से बोलते हो? साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे व्यक्ति लोगों के सामने अपना ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ते, क्योंकि जल्दी जल्दी और ज्यादा बोलने वाले लोगों की बात की कोई वैल्यू नहीं रहती और कोई उन पर ध्यान नहीं देता। याद रखें, इसीलिए आपको बात करते टाइम हर एक वाक्य के बाद कुछ सेकंड रुकना है और इसके बाद अपनी बात कंटिन्यू रखनी है, और यदि इम्पोर्टेंट बात हो तो कुछ देर सोचकर फिर बोलें। इससे लोग आपकी हर एक बात मानने लगेंगे और लोगों का उस बात के प्रति ट्रस्ट भी बना रहेगा। फैक्ट नंबर 1, साइनोफोबिया एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें इंसान को हर समय कुत्तों से डर लगता है। और दोस्तों, हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों को साइनोफोबिया हो सकता है, और बचपन में तो हम में से लगभग हर किसी को कुत्तों से डर लगता था। ये एक प्रकार का विशिष्ट यानी स्पेशल फोबिया है, क्योंकि जब भी कोई डॉग ऐसे व्यक्ति के आसपास घूमता है तो उसे एंजाइटी होना शुरू हो जाती है और इंसान डर की वजह से तेजी से सांस लेने लगता है और कांपने भी लगता है। बच्चों में ये फोबिया 5 वर्ष की उम्र में या उसके बाद शुरू हो सकती है, और दुनिया भर में लगभग 7 से 9% लोग साइनोफोबिया से ग्रसित होते हैं।